आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्मड इन द रिएक्शन इज, तो आपको यहां पे एक कंपाउंड दिया है जिसमें चार Cl एज सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, एक बेंजीन रिंग पे, एक ये एल्कीन में, एक यहाँ पे है बेंजाइल पे और एक आपका टर्शियरी वाला है। यहाँ पे ए और एक्स AgCl बन रहे हैं, तो आपको ये बनाना है कि कितने AgCl यहाँ पे बनेंगे, कितने AgCl बनेंगे, जितने जितने क्लोरीन यहाँ पे सब्सटीट्यूट होंगे उतने ही AgCl बनेंगे, है ना। तो आपको ये समझना है कि इस कंपाउंड में कितने Cl जो है वो प्रेसिपिटेट होने वाले हैं, यानी कि कितने Cl यहाँ से सब्सटीट्यूट हो जाएंगे बाय NO3 ग्रुप। तो क्या होगा, जब ये वाला Cl निकलेगा तो यहाँ पे एक कार्बोकोटाइन बनेगा और ये वाला Cl निकलेगा तो यहाँ पे एक कार्बोकोटाइन बनेगा। तो देखो क्या होगा, इन दोनों से जो बने हुए कार्बोकोटाइन होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। ये वाला जो कार्बोकोटाइन है वो बेंजाइल कार्बोकोटाइन बनेगा और यहाँ से जो कार्बोकोटाइन बन जाएगा वो टर्शरी कार्बोकोटाइन होगा, और ये दोनों ही कार्बोकोटाइन्स बहुत स्टेबल होते हैं। जबकि यहाँ से आप करोगे तो बेंजीन रिंग अनस्टेबल हो जाएगी, यहाँ से करोगे तो भी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो ये दोनों Cl का निकलना मुश्किल हो जाता है। जो Cl प्रेसिपिटेट होते हैं वो बेंजाइल और टर्शरी वाला होता है, बिकॉज बेंजाइल कार्बोकोटाइन एंड टर्शरी कार्बोकोटाइन स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे 2 मोल्स AgCl के आपको मिलने वाले हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।